जब मैं मुश्किलों से डरा, मरा तो नहीं लेकिन जी भी तो ना सका, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सिर्फ सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर मिथुन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे अपने मोटिवेशन को जगाने की। आपको पता है दोस्तों, 2 महीने से भी कम का समय बचा है और आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हो सकता है ये 2 महीने का पीरियड और भी कम दिखे आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या 2 महीने के समय में एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल है, क्या दोनों ग्रुप का एग्जाम यहाँ पर क्रैक करना पॉसिबल है, क्या यहाँ पर एक ग्रुप ही दिया जाना चाहिए, क्या हमें एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, इन तमाम बातों के बारे में दोस्तों, इन तमाम क्वेश्चंस के बारे में आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। और दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, कोशिश करेंगे अंदर से आत्मा को जगाने की, क्योंकि हमारी जो आत्मा है भाई वो कई बार सो जाती है, उसे जगाना पड़ता है, खुद को तपाना पड़ता है दोस्तों, खुद के अंदर एक आग पैदा करनी पड़ती है, एक मोटिवेशन को जगाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये मेरा शेड्यूल रहता है अनअकैडमी पर, मैं नॉर्मली यूट्यूब पर आ जाता हूँ 11:15 पर, स्पेशल क्लास होता है मेरा 11:15 फिटनेस देखो, और ये मेरा प्लस का क्लास होता है 9:30। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, यहाँ पर डाउनलोड कर लो मोबाइल में, और सब्सक्रिप्शन मॉडल बहुत रीजनेबल है, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। ये अमित कोड आप जरूर यूज कर लीजिएगा जिससे आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। ये मुझे आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ये है कि 2 महीने से भी कम का समय बचा है, सर क्या मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ, क्या मैं एग्जाम में जो है सफलता हासिल कर सकता हूँ। सर वो आपने कहा था एक वीडियो में कि जो अटेम्प्ट होते हैं वो जितने ज्यादा लगते जाते हैं पास होने का प्रोबेबिलिटी कम होता है, तो सर मैंने आपका वो वीडियो सुन लिया था तो मेरा जो है ना मोटिवेशन कम हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया। आपने बोला था कि सीए के अंदर जितना ज्यादा अटेम्प्ट होता है उतना ही पास होने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, तो सर ये तो फिर मैं कैसे सीए करूं। तो ये सारी बातें भाई दिमाग में आती है। और दोस्तों जब एग्जाम से पहले वाला 1 महीना और 2 महीना होता है ना, तो हम जब पढ़ाई कर भी रहे होते हैं तो हमारे माइंड में बस यही चल रहा होता है कि यार मैं कोर्स कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं दोनों ग्रुप अपीयर कर रहा हूं, मैं दोनों ग्रुप को क्रैक कर पाऊंगा, ऐसा तो नहीं कहीं मेरा एक ग्रुप भी ना निकले, है ना। अरे ये तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अरे अगर सीए नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं दोनों को क्या जवाब दूंगा, अब तो मेरी एज भी बहुत ज्यादा हो गई है, रिलेटिव्स को कह कह के मैं परेशान हो गया हूँ, अब तो कमाना भी पड़ेगा, अरे यार सीए नहीं होगा तो मैं ये कर लूंगा, अरे सीए अगर नहीं होगा तो मैं ये कर लूंगा। दोस्तों सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, अरे सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, हवा के रुख को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से बस यही कहना है कि 2 महीने से कम का समय बचा है, आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करो कि आप किस हद तक पहुंच चुके हो। और दोस्तों अगर आप बिना शेड्यूलिंग के पढ़ रहे हो ना, मैं आपको सही बता रहा हूं इस एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल नहीं है, आपको पहले से पेपर पे शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मुझे पता है आपने कभी बनाया होगा तो वो फॉलो नहीं हुआ होगा, लेकिन दोस्तों बिना शेड्यूल बनाए एक तरह से बिना नक्शे के मकान बनाने के बराबर है, जब आपके पास नक्शा होता है तो मकान बनता है, अगर नक्शा ही नहीं होगा तो भाई कोई दीवार कहाँ बना दी, कोई दीवार कहाँ बना दी, किचन कहाँ बनानी थी कहाँ बना दी, तो सब उल्टा पुल्टा हो जाए। तो सबसे पहले भाई आप लोगों का शेड्यूलिंग देखो, आप अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो भाई किसी भी कंडीशन में अक्टूबर एंड तक आपका एक ग्रुप बिल्कुल तैयार होना चाहिए, और फिर आपको जो है ना नवम्बर के अंदर दूसरा ग्रुप आपका नवम्बर में तैयार होना चाहिए। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा दोनों ग्रुप है और अभी 50-60% ही प्रिपरेशन हुआ है, तो भाई ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, आपको यहाँ सावधान होने का जरूरत है।
और आपको ये करना चाहिए कि अगर 50-60 प्रिपरेशन हुआ है 50% और दोनों ग्रुप आपको देने, तो एक बार आप किसी एक ग्रुप पर फोकस करो और पहले उसको 100% कंप्लीट करो कि मैं इस आने वाले एक महीने में पहले किसी भी एक ग्रुप को जो मुझे देना है मैं उसको पहले पूरा तैयार करूंगा, उसको मैं 100% तैयार करूंगा। अच्छा दोस्तों, तैयारी का मतलब ये नहीं होता कि आपने नोट्स उठाए, किताब उठाई और पढ़ डाला, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। तैयारी का मतलब ये है कि अगर आपका 4 पेपर है तो आपको एक महीने में 30 डेज होते हैं, अपन 28 मानते हैं, 2 दिन अपन एक अलग से रखते हैं, तो 28 का मतलब हो गया एवरी 7 डेज हमको एक एक सब्जेक्ट उठाना है और उस 7 दिन में हमें उस पूरे सब्जेक्ट को तैयार करना है, लास्ट का एक दिन रिवीजन करना है और दोस्तों मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आप ICAI की वेबसाइट से निकाल सकते हो, वहां पर बहुत सारा मॉक टेस्ट पेपर है, जुलाई वाला भी पढ़ा है, दिसंबर वाला भी आ जाएगा। उसका आंसर लिखो भाई 3 घंटा कॉपी के अंदर, सामने वॉच रखो, 3 घंटा कॉपी में लिखो, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं कॉन्फिडेंस आएगा नहीं कि 3 घंटे में पेपर होता भी है या नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग 80-90% मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप मॉक टेस्ट देते ही नहीं, आप सीधा एग्जाम में उतरते हो। मैंने ऐसा किया है और मैंने एग्जाम को पास किया है, आप भी कर सकते हो। और मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं रहा, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट था, बस मैंने एक प्लान बनाया, प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। जिस दिन फॉलो नहीं करता था ना, मन में टेंशन हो जाती थी, जिस दिन टारगेट से पीछे रह जाता था टेंशन होती थी, अगले दिन डबल टारगेट अचीव करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा चिंता अगर आपके मन में आ रहा है ना, यू डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम। बस आप 7 दिन पूरा लग जाओ उस सब्जेक्ट में, ये मत सोचो कि यार एक ही सब्जेक्ट है, अरे एग्जाम से पहले भी तो एक सब्जेक्ट पढ़ते हो ना लगातार, 7 दिन एक सब्जेक्ट को लो, क्योंकि अगर आप सारे सब्जेक्ट एक साथ चलाओगे तो भाई किसी का टांग पकड़ में आएगा, किसी का पूंछ पकड़ में आएगा, आपको पूरा 7 दिन उस पर फोकस करना है। तो पूरा प्लान होना चाहिए 7 दिन का, कौन कौन से चैप्टर कौन से दिन निपटाने, और भाई 7वें दिन उसका एक रिवीजन मारो और मॉक टेस्ट जरूर दो। कॉपी या तो खुद चेक कर लो उसके सजेस्टेड आंसर से, और खुद से चेक नहीं होता है तो दोस्त से करवाओ, दोस्त का कॉपी आप चेक करो। दोस्तों आपको इतना कमी पता चलेगा कि यार मेरे अंदर इतना कमी फैला हुआ है, मैं तो ICAI को जिम्मेदार ठहराता हूँ मेरे फेल होने में, ऐसे करो आप। तो अगर आपका दोनों ग्रुप पेंडिंग है भाई, तो इट इज अलार्मिंग सिचुएशन, आपको इन ग्रुप पर पहले फोकस करना है, उसको 100% तैयार करना है, बाद में हम सेकेंड ग्रुप को टॉपर लाएंगे। लेकिन अगर एक ही ग्रुप है तो भाई आने वाले एक महीने में पहले कंप्लीट करो, फिर अगले महीना उसका रिवीजन करो। तो ऐसे प्लान बनाओ और थोड़ा सा अपने को समय दो भाई, ये नहीं बस पढ़ते जा रहे हैं। आपको घंटा 2 घंटा बैठकर सोचना है कि मैं कौन सी सिचुएशन में हूँ और मुझे अब आगे कहाँ जाना है, मतलब अपना सेल्फ एनालिसिस करो भाई, सेल्फ एनालिसिस करो। और ये मत सोचो कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं दुकान खोल लूंगा, मैं पापा के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा, अरे लोग तो वैसे भी जीते हैं, CA करना ही कोई जरूरी थोड़ी होता है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो CA नहीं किए, क्या उनका लाइफ नहीं चल रहा, अरे वो भी बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, अरे देख उसके पास गाड़ी है, वो CA थोड़ी है। तो भाई ये चीजें करने का मतलब है कि आप हवा के रुख को नहीं बदल रहे, आप उसको ही बदल रहे हो जो आप करने जा रहे हो। हवा के रुख को बदलो दोस्तों, आप काम करने का तरीका बदलो, अपने जज्बे को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। तो आप सभी लोगों को बस यही मैसेज इस वीडियो के थ्रू देना चाहता था कि पूरे जोश के साथ काम करो, कहते हैं ना जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। तो बस कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है और अब आप आगे कैसे अपना प्लानिंग करोगे, क्या करोगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक देकर मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइएगा और इसको अपने मैक्सिमम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। PTCA फाइनल का मैं मैराथन रिवीजन लेकर आने वाला हूँ, जो मेरा मैंने भी अभी ABC एनालिसिस बनाया था, वो आप जरूर देख लेना डीटा इसी चैनल पे। उसमें जो ए कैटेगरी है उनका पहले मैं आपको पूरा रिवीजन मैराथन करूँगा मेरे हैंडराइटिंग नोट्स के साथ। और चैनल पर नए हो तो भाई इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो, और जब भी अनअकैडमी पर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये CA अमित कोड आप यूज कर लीजिएगा, इट ग्रेट हेल्प फॉर मी, एंड आपको भी 10% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। पूरा कोर्स आपको यहाँ पर नॉट ओनली ग्रुप 2 का DT सारा मिल जाएगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।